हालेलुया, धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, प्रेज द लॉर्ड जीसस, महिमा मय खुदा, ज्योति मय खुदा, अति करुणा मय, अति सामर्थ्य, सर्वशक्तिमान, अति उत्तम प्रभु यीशु मसीह, यीशु नासरी, एक बार फिर से आपकी हजूरी में आते हैं और नर्म दीन होकर आपको आवाज देते हैं, आप हमारी सुनिए। हाँ, होने दे खुदा, हम सब आपके पन्ना में रहे, ऐसा अनुग्रह कीजिए। हाँ प्रभु, आज के पूरे दिन आप हम सबों को और हमारी पूरी फैमिली को अपने पन्ना में रखें, तो होने दे खुदा, हमेशा। हाँ प्रभु, सर्वदा हम सब आपके पनाह में रहे, ताकि प्रभु जी चलना भला रहे, स्वस्थ रहे, कुशल रहे, जीवित रहे, ज्योति में चले, सहायता कर खुदा, धन्यवाद करते हैं, मदद कर प्रभु, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा प्रशंसा करते हैं, आदर और सम्मान करते हैं। लॉर्ड जीसस, ग्लोरी 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 टू लॉर्ड जीसस, स्वर्ग और पृथ्वी के राजकुमार प्रभु यीशु मसीह, आपकी प्रशंसा हो, आपकी तारीफ हो प्रभु परमेश्वर, आपकी महिमा हो लॉर्ड जीसस, जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह, आपकी महिमा हो, आपकी तारीफ हो खुदा, धन्यवाद देते मेरे प्रिय। डरिए मत, घबराइए मत, प्रभु हर एक विपत्तियों से आपको बचाएगा, हाँ वो आपको संभालेगा, वो आपके परिवार का भी देखभाल करेगा। हाँ सच में वो आपके ऊपर और आपके परिवारों के ऊपर किसी प्रकार की विपत्तियाँ आने नहीं देगा। हाँ वो आपके डेरे के निकट भी किसी प्रकार की दुख आने नहीं देगा, क्योंकि वो आपका रक्षक है। हालेलुया। भजन संहिता 121 अध्याय के उसका 5 और 6 में प्रभु का जीवित वचन बोलता है कि प्रभु आपका रक्षक है, वो आपकी दाहिनी ओर आपकी आड़ है, न तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से आपकी कुछ हानि होगी। हालेलुया। प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हमारे प्रियो, प्रभु प्रभु यीशु मसीह आपका रक्षक है, आपका सहायक है, आपका ढाल है, आपका चट्टान है, आपका शरण स्थान है। हाँ सच में उससे लिपटे रहेंगे तो वो आपको अपने आंखों की पुतली की नहीं संभालेगा, आपका ख्याल रखेगा, आपका देखभाल करेगा, आपके परिवारों का भी देखरेख करेगा, और सच में किसी प्रकार की विपत्ति आपके ऊपर पड़ने नहीं देगा, किसी प्रकार की दुख आपके डेरे के निकट आने नहीं देगा। क्या लिखा है, न तो दिन को धूप से और न रात को चांदनी से आपकी कुछ हानि होगी। प्रभु हर एक हानि से, नुकसान से आपको बचाएगा। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो प्रभु, आपकी महिमा हो, सहायता कर प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता, जितने इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं उन सबों को और उनके परिवार के एक एक सदस्यों को भी तू संभाल, सबों का देखभाल कर, सब सुखी रहे, चंगा भाला रहे, स्वस्थ रहे, जीवित रहे, कुशल रहे, सहायता कर खुद। धन्यवाद देते हैं, सब खुश रहे, आनंदित रहे, हर्षित रहे, मंगल रहे, सहायता कर, सबों के जीवन में खुशियाँ बनी रहे, सहायता कर खुद। धन्यवाद देते, सुनाश्री आपका धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह आपका धन्यवाद। हाँ होने दे प्रभु, इस प्रार्थना को जितने बच्चे, जितने नौजवान, जितने बड़े बुजुर्ग, हाँ प्रभु जितने मसीह भाई बहन सुन रहे हैं,
उन सबों के निकट, हाँ प्रभु उन सबों के जीवन में तेरी पवित्र उपस्थिति को मांगते हैं, ताकि उन सबों का जीवन खुशहाल हो। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। सहायता कर खुदा जाने पा देते ईसुनाश्री, आपकी स्तुति हो प्रभु, आपकी महिमा हो, आपकी तारीफ हो प्रभु, आपकी बड़ाई हो, आपका आदर और सम्मान हो। सहायता कर दीजिए, हाँ प्रभु सबसे पहले इस बात के लिए आपको धन्यवाद देते हैं कि आप पे अभी तक हम सबों को जाना भाला रखे, जीवित रखे हैं, और आगे भी प्रभु हम सब जाना भाला रहेंगे, जीवित रहेंगे, क्योंकि आपके अनुग्रह की दृष्टि सदा के लिए हमारे ऊपर है। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी तारीफ हो प्रभु परमेश्वर, आपकी बड़ाई हो, आपका आदर और सम्मान हो। सहायता मदद गाइड कर दीजिए प्रभु, संभालिए, देखभाल कीजिए, देख रेख कीजिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। प्रभु अनुग्रह कर, पूरे दिन तो संभाल आए, पूरे रात भी संभाल, अच्छी मीठी नींद दे प्रभु। जितने इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, हाँ जितने जन, जितने लोग इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, उस सब पे पूरे रात निश्चित अपने बिछौने में सोए, कोई दिक्कत कोई परेशानी ना हो, कोई तकलीफ ना हो, डरावना बुरा सपना ना आए, शैतान ना सताए, रोग बीमारी ना उत्पन्न हो, दर्वे की आत्मा ना सताए। सहायता कर, हाँ प्रभु एक एक जन को तेरी ओर से अच्छी मीठी नींद प्राप्त हो, सुख शांति चैन की नींद प्राप्त हो। जिनके अंदर बेचैनी घबराहट है, उनके अंदर से आप बेचैनी घबराहट को निकाल दीजिए। किसी प्रकार की डर भय है, उसे डर भय को निकाल दीजिए। कोई दुख दर्द पीड़ा है ख़त्म कर दीजिए, बीमारी है ख़त्म कर दीजिए, शैतानी कार्य है, शरीर और संसार की अभिलाषा है ख़त्म कर दीजिए। धन्यवाद यीशु, सबों को तुझो और चेंज कर दे, सबों को सुख दे, चैन दे, शांति दे प्रभु, हर प्रकार की आशीषें दे प्रभु। धन्यवाद देते हैं यीशु नाज़री, आपका धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद हो। सहायता कीजिए, मदद कीजिए प्रभु जी, आपकी स्तुति हो प्रभु, आपकी महिमा हो, आपकी तारीफ हो प्रभु जी। सहायता कर, हाँ होने दे महान परमेश्वर। भजन संहिता 121 अध्याय के उसका 5 और 6 पद के अनुसार, एक एक मसीह भाई बहन का तू रक्षक बन, उनके दहनी ओर उनकी आंट बन, हाँ ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदने से उनकी कुछ हानि होने दे। प्रभु अनुग्रह कर, हर एक हानि से, नुकसान से, चोटे से तू सबों को बचा। धन्यवाद देते हैं यीशु नाज़री, आपका धन्यवाद हो प्रभु। अनुग्रह कर प्रभु, दया कर दे खुदा, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी तारीफ हो प्रभु परमेश्वर। धन्यवाद देते यीशु नाज़री, आपका धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद हो। आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करते, तारीफ करते, बड़ाई करते प्रभु। अनुग्रह कर इस सुंदर शाम के वक्त जितने मसीह भाई बहन इस प्रार्थना को रिसीव कर रहे हैं, हे प्रभु जी अनुग्रह कीजिए प्रभु जी, उनकी इच्छाओं को, लालसाओं को, मनोकामना सपना मनोरथ को पूरा कर दीजिए। जीवन की कमी घटी जरूरत आवश्यकता को पूरा कर दीजिए। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो प्रभु जी। हाँ प्रभु ये लोग जिस किसी के लिए आपसे दुआ कर रहे हैं, इनके दुआओं को कबूल कीजिए और उत्तर, हाँ जवाब, हाँ आमीन में दीजिए। जितने नर्म और दीन होकर अपने आप को आपके सामने सरेंडर करके, सुनने बना करके आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी प्रार्थना का उत्तर हाँ आमीन में दीजिए। जितना आपके हजूरी में प्रभु जी रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, बिलखते हैं प्रभु, उनके आंसुओं को पोछिए और उत्तर दीजिए, उनके आंसुओं का प्रतिफल उन्हें दीजिए प्रभु। धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति हो प्रभु जी, आपकी महिमा हो प्रभु। अनुग्रह कर प्रभु, दया कर, कृपा कर महान परमेश्वर। प्रभु जी कमेंट के माध्यम से जो लोग अपनी प्रार्थना निवेदन प्रार्थना विषय में दिए हैं, उनकी दी हुई प्रार्थना निवेदन प्रार्थना विषय आपके हजूरी में हम रखते हैं प्रभु जी। सबों के दिए हुए भेजे हुए प्रार्थना निवेदन प्रार्थना विषय के ऊपर आप दृष्टि कीजिए,
और उस गौतर सबों को हाँ आमीन में दीजिए, ताकि सबों का जीवन आनंदित रहे। प्रभु अनुग्रह कर खुशी हाल रहे, अनुग्रह कर खुद धन्यवाद देते यीशु नासरी, आपका धन्यवाद हो। प्रभु अनुग्रह कर पूरे दिन संभालाए, पूरे रात भी संभाल, ताकि प्रभु जी एक और नए दिन में प्रवेश करके आपकी महिमा हम सब कर सके। सहायता कर, मदद कर प्रभु। एक एक वचन और जवान बड़े बुजुर्ग को आपके हाथ में देते हैं, सबों को संभाल, सबों का देखभाल कर, हानि से नुकसान से दुष्ट करो मनुष्य, दुष्ट शैतान से तंत्र मत की सकते, जादू टोना से बचा, धन्यवाद देते हर एक दिक्कत परेशानी से समस्या उलझन गले से बचा प्रभु जी, छुड़ा सर के पिता, धन्यवाद देते इस सुनाश्री आपका धन्यवाद हो। सहायता कर जो धन दस मास दिए हैं प्रभु जी, उनके लिए स्वर्ग के झरोखे तू खोल दे और बरकत से भर दे, उनके जीवन में उत्तम उत्तम चीजें दे प्रभु। जितना दिए हैं उसके 10 गुना, 1000 गुना, लाखों गुना, करोड़ों गुना तू लौटा प्रभु, धन्यवाद देते होने दे प्रभु। एक एक जन को तू ग्रेस करता कि एक एक जन ऊंचे पर नियुक्त हो और आगे की बढ़े स्वर्गीय पिता, उन्नति करे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते प्रभु। और खुश रहे, आनंदित रहे प्रभु, धन्यवाद करते हैं आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करते तारीफ करते प्रभु। सहायता मदद गाइड कर दीजिए, धन्यवाद यीशु, सहायता कीजिए, मदद कीजिए महान परमेश्वर, धन्यवाद देते यीशु नासरे, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं, सहायता मददगार करते, धन्यवाद यीशु, संभाल देखभाल कर खुदा, धन्यवाद देते दिक्कत परेशानी को, कलेश को, उलझन को दूर कर दे, सारी समस्याओं को दूर कर दे प्रभु, शांति दे स्वर्ग के पिता, धन्यवाद देते सुख चैन दे प्रभु, धन्यवाद करते यीशु नासरी, आपका धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद हो। सहायता कीजिए, मदद कीजिए प्रभु, सारा आदर महिमा सम्मान आपको मिले प्रभु जी, प्रार्थना विनती आपके उद्धार करता नामों में मांगते और कहते स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, आमीन 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 लॉर्ड जीसस आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रिय, रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे और शाम 4 बजे प्रार्थना को रिसीव कीजिए और प्रार्थना को शेयर भी कीजिए। ऐसा करने से प्रभु के अनुग्रह की दृष्टि आपके ऊपर बनी रहेगी और आप चंगा वाला रहेंगे और किसी भी चीज़ की कमी घटी कभी आपके जीवन में नहीं होगी। मेरे प्रियो, कल सुबह 4 बजे की प्रार्थना को जरूर रिसीव करना, कल सुबह 4 बजे की प्रार्थना में जरूर शामिल होना और प्रार्थना को शेयर भी करना। ऐसा करने से सच में स्वर्गीय आशीषों से प्रभु आपको तृप्त करेगा। मेरे प्रियो, अगर आपका कोई प्रार्थना निवेदन प्रार्थना विषय है तो कमेंट के माध्यम से आप अपनी प्रार्थना निवेदन प्रार्थना विषय हमें दे सकते हैं। हम आपके कमेंटों को देखते हैं और आपकी दी हुई प्रार्थना निवेदन प्रभु का हुजूर में रख कर प्रभु से दुआ भी करते हैं। प्रभु उसका उत्तर आपको हाँ प्रभु उसका उत्तर, यानी कि आपके भेजे हुए दी हुई प्रार्थना विनती प्रार्थना विषय निवेदन का उत्तर आपको हाँ आमीन में जरूर देगा। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। अगर आपका भरोसा प्रभु पर है, प्रभु आपके भरोसा को बनाए रखेगा, तोड़ेगा नहीं। हालेलुया, मेरे प्रिय, प्रभु आपको संभाले। गुड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के मीठे और मधुर नाम में जय मसीह।